लेकिन ये होता कैसे है, चलिए जानते हैं। नारियल के पिछले हिस्से में तीन छेद होते हैं, जिनमें से एक छेद काफी सॉफ्ट होता है। इस छेद के जरिए फूलों की कलियों को नारियल के अंदर डाल दिया जाता है और इसे बंद कर दिया जाता है। नारियल के अंदर की नमी की वजह से कलियां खिल जाती हैं, इसलिए जब नारियल को तोड़ा जाता है तो अंदर से खिले फूल निकलते हैं। ठीक इसी तरह इंजेक्शन से नारियल का पानी बाहर निकाल लिया जाता है और उसमें रंग डाल दिया जाता है। बस फिर जैसे ही नारियल तोड़ा जाता है, अंदर से खून निकल आता है। कीलों के सेज पर सोए बाबा भी आपने कई बार देखे होंगे। उनका ये दावा होता है कि ऐसा वर्षों की तपस्या और योग से संभव हो पाता है। तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हर कील पर समान भार डालने से ये चुपती नहीं। अगर किसी का वजन 60 किलो है और वो 1500 से 1600 किलो पर अपना वजन डाले, तो हर कील पर 35 से 40 ग्राम वजन पड़ेगा, जो कि ज्यादा नहीं है। कीलों के बेड पर सोते समय बाबा पूरा भार इस पर नहीं डालते, बल्कि साइड में हाथों पर डालते हैं। लेटने के बाद ही वो अपना हाथ हटा लेते हैं। अगर कीलों की संख्या कम कर दी जाए तो ये चुप सकती हैं, लेकिन ज्यादा कीलों की वजह से चुपती नहीं। ऐसा ही एक और चमत्कार है बिना किसी सोर्स के हवन कुंड में आग लग जाना। इस चमत्कार के पीछे छिपा है केमिकल रिएक्शन, जिसके लिए जरूरत है पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन की। हवन कुंड में पोटेशियम परमैंगनेट को बारीक पीस कर इस्तेमाल किया जाता है और घी की जगह ग्लिसरीन डाला जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ग्लिसरीन एक कार्बोनिक कंपाउंड है। दोनों के मिलने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिससे इतनी गर्मी निकलती है कि कुछ ही देर में आग लग जाती है। केमिकल रिएक्शन से ही जुड़ा एक और चमत्कार है, जिसमें बाबा के पैरों को दूध से धोया जाता है और फिर वो जिस जगह से गुजरते हैं वहाँ पैरों के लाल निशान पड़ जाते हैं। इसके पीछे छिपी है हल्दी और चूना। दरअसल जिस दूध से बाबा के पैर धोए जाते हैं वो चूने का पानी होता है, और जिस कपड़े पर बाबा चलते हैं वो हल्दी में रंग कर सुखाया जा चुका होता है। जैसे ही बाबा जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भीगे पैरों से हल्दी वाले कपड़े पर चलना शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और कपड़े पर रेडिश ब्राउन कलर का निशान बन जाता है। बाबाओं पर विश्वास करते करते लोग मान बैठते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें अपार शक्तियां होती हैं। जैसे कि बल्ब का शीशा खा लेना, देखने में तो सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन इसका भी तोड़ है। बल्ब जिस शीशे से बनता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि कपड़ा धोने वाला सोडा। अगर बल्ब के शीशे को पीस दिया जाए तो ये सोडियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये दोनों ही शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते। इस चमत्कार से पहले और बाद में बाबा जी केला जरूर खाते हैं, जो उनके गले में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। इसका ये फायदा है कि जब शीशे को पीस कर खाया जाता है तो ये गले या फिर शरीर में नुकसान नहीं पहुँचाता। तो ऐसे किसी भी चमत्कार पर विश्वास करने से पहले इसके पीछे छिपे तथ्यों को जानने की कोशिश जरूर करिए और ऐसे किसी भी अंधविश्वास से बचिए। रिपोर्ट न्यूज़ एंड साइंस।